ओके हेलो जी, आई गेस आई एम लाइव नाउ। जल्दी से मुझे बता दीजिए गाइज, मैं लाइव हूँ या नहीं हूँ। ओके सो गाइज, यहाँ पे हम लोग 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये कल चलेगी सीरीज, उसके बाद हम लोग यूट्यूब पर फुल सिलेबस सीरीज लेके आ रहे हैं गाइज। तो आई गेस आई होप यू ऑल आर एक्साइटेड कि हम यूट्यूब पर फुल सिलेबस सीरीज लेकर आ रहे हैं। ओके ओके, शायद मैं विजिबल नहीं था बट अब मैं विजिबल हूँ आई गेस सबको यार। ओके विजिबल हूँ क्या? हाँ जी विजिबल है सौरभ भैया, जल्दी से आ जाइए, कोने पे आ जाइए। ओके तो शुरू करने वाले हैं गाइस। अन अकेडमी पर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं ऑलरेडी, तो मैं चेक कर ले रहा हूँ यहाँ पर मैं आ चुका हूँ या नहीं आ चुका हूँ। यस सर जी, मैं आ गया। ओके हेलो जी, क्या हो गया? आ गए ना सब यहाँ पे? ओके यस सर, सब आ चुके हैं एनिमल किंगडम के क्वेश्चन करने। रेडी हो जाइए जी, यहाँ पे एकदम बढ़िया से एनिमल किंगडम के क्वेश्चन करेंगे। और अगर आपको चाहिए कि और ज्यादा क्वेश्चन करना है, रात को 11 बजे हम 200 क्वेश्चन करने वाले हैं। हेलो जी, ओके रात को 11 बजे 200 क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट होगा अन अकेडमी के ऐप पर गाइज, तो जरूर देख लीजिएगा। भूलने का नहीं एकदम, ठीक है? एकदम भूलने का नहीं, जरूर देखने का कि रात को कितने बजे होगा भाई, जल्दी से याद रख लो। और गाइज, हमारा जो न्यू सिलेबस ये सीरीज आ रही है उसमें 90 मिनट वाला फ्लैश रिवीजन स्टार्ट हो रहा है, मतलब फ्लैश एमसीक्यू सेशन। इंस्टा पे क्वेश्चन दिया है। ओके ठीक है, मैं देख लूंगा यार, टाइम नहीं मिलता यार तिवारी जी, तो आप अन अकेडमी के ऐप पर डाल दिया करें, वो बेटर होता है, ठीक है? ओके हेलो जी, चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पे। क्वेश्चन क्वेश्चन शुरू किया जाए, आ जाइए रेडी करें। ओके कल वाला अगर आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नहीं देखा होगा तो जरूर देख लेना भाई, बहुत सही चीज करवाया था हम लोग ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है गाइस, क्वेश्चन नंबर 1। हेलो, मैं आपको जूम आउट कर दिया यहाँ पे। ओके ध्यान से फोकस करिए, इसका क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का सवाल क्या है? नाउ पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज गलत, गलत पूछा है अब विथ रेस्पेक्ट टू बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री के लिए गलत क्या है जी? चलिए जल्दी से बता दीजिए, बायलैटरल के लिए क्या लगता है, क्या गलत है यहाँ पे? ओके बताते जाइए हम लोग यहाँ पे, देख लेते हैं कि आंसर कौन कैसा कर रहा है। वेरी गुड सर जी, कर दीजिए आंसर, आ गया। हाँ जी आंसर आ गया, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। सर ये उल्टा कर दिया गया था, ये जो लिखा है ऑल वर्टिब्रेट बट फ्यू वर्टिब्रेट, ये उल्टा कर दिया गया है, मतलब ऑल इनवर्टिब्रेट और फ्यू वर्टिब्रेट, ये अपोजिट होना चाहिए था। तो आई गेस आप समझ गए होंगे दोस्तों यहाँ पे क्या होना चाहिए इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर द्वितीय दूसरा नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने हम पेश करते हैं दोस्तों, चलिए रेडी हो जाइए दूसरे नंबर सवाल के लिए। आपके लिए स्क्रीन पर ला रहे हैं दूसरा सवाल, क्या है सवाल? क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे आपको सिमेट्री को आइडेंटिफाई करना है, ये कौन सी सिमेट्री है, ए और बी की कौन सी सिमेट्री है जी? ओके चलिए देख लेते हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाते हो या नहीं, चलो जल्दी से करके बता दो तो कौन सी सिमेट्री है। एक सेकेंड, हाँ अब बता दीजिए ये क्या है, ये एनसीईआरटी में है ना आपके? ये तो एनसीईआरटी में है, एकदम ईजी बता दीजिए जल्दी से। आंसर आ गए, यस सर जी आंसर आ गया, एकदम ईजी था, एकदम बच्चू वाला सवाल था, यस सर जी। चलो आगे बढ़ते हैं, एक प्यारा सा और एक सवाल कर लेंगे, प्यारा सा सवाल। सर ये आपको पता चल रहा है ये रेडियल था ये बाइलेटरल था, है ना? एनसीईआरटी में है ये, वेरी गुड। चलिए दूसरा नंबर सवाल डन हो गया, तीसरे पर चलते हैं। तीसरा सवाल एनसीईआरटी का एक और प्यारा सा ड्रॉइंग, प्यारा सा एनसीईआरटी का ड्रॉइंग, इसको जरा सा और जूम करके ले जाते हैं। चलो अब आपको इसको बताना है, इस फिगर में भाई क्या कहानी चल रही है, इस फिगर में क्या कहानी चल रही है जी, आराम से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस फिगर में क्या कहानी चल रही है। ओके तो ए नंबर क्या है, बी नंबर क्या है और सी क्या है? ओके ए वाला ट्रिप्लोब्लास्टिक है क्या, या नहीं क्या बोलते हैं उसको, ऐसे ट्रिप्लो बोलने से नहीं चलेगा, सिलोम वाले बात है ना यहाँ तो। ओके सिलोम बोलने वाला है, तो सर जी ये क्या हो जाएगा जल्दी जल्दी बता दीजिए। सिलोम दिख रहा है इसमें, बी में सीडोसिलोम है क्या और सी नंबर असिलोमेट, तो असिलोमेट में प्लैटीहेलमिंथिस, बी वाले में एस्केलमाइंथिस कर देते हैं और ए नंबर में एनिलीट कर देते हैं, तो आंसर क्या ए नंबर कर दें? यस सर जी वेरी गुड, तो 3 का ये ए नंबर हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे नंबर पर चलते हैं सवाल पर, चौथे नंबर सवाल पे फोकस करवाया जाए बच्चों का। ओके द स्यूडोसिलोमेट एनिमल आर इंक्लूडेड इन द फाइलम, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये अभी अभी आपके साथ डिस्कस किया मैंने, तो जल्दी से बता दीजिए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। ओके देख लेता हूँ आप लोग क्या आंसर कर रहे हो यहाँ पे, वेरी गुड जी बहुत ही मस्त आंसर कर दिया। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल सर ये क्या हो जाएगा, अभी अभी तो आपने ऊपर बताया था स्यूडोसिलोमेट एस्केलमाइंथेस, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर पांचवा, पांचवा नंबर सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर पांचवा। ओके क्वेश्चन नंबर 5 क्या सवाल है,
ट्रू सेगमेंटेशन इज ऑल्सो कॉल्ड, ट्रू सेगमेंटेशन का असली नाम मतलब उसको क्या बोला जा सकता है, ट्रू सेगमेंटेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेटामेरिज्म। वेरी गुड वेरी गुड, मेटामेरिज्म। चलिए क्वेश्चन नंबर छठा, सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन, सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन क्या है जी, आइए फोकस करते हैं। ओके, द नोटोकॉर्ड इज डेराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग जर्म लेयर। नोटोकॉर्ड इज डैश इन ओरिजिन, क्या ओरिजिन, कैसा ओरिजिन में, क्वेश्चन नंबर सिक्स। नोटोकॉर्ड का ओरिजिन के बारे में बता दीजिए गाइस जल्दी से। ओके, बता दिया। ओके गाइस, आपने अगर एक न्यू छोटी सी वीडियो देखी होगी शॉर्ट्स, तो आपको पता होगा कि यार रिलेटिव्स लोग मेडिकल स्टूडेंट्स को क्या क्या पूछ के सबसे परेशान कर देते हैं कि किस सब्जेक्ट से एमबीबीएस कर रहे हो। आज ही हमने शॉर्ट्स लगा दिया एक छोटा सा मिस्टर मेडिको पर, ओके चैनल पर। चलिए ये बता दीजिए, तो मेसोडर्मल इन ओरिजिन, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर सेवन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सातवा, सातवा नंबर सवाल क्या है क्वेश्चन नंबर सेवन, आइए फोकस करते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक अनसेगमेंटेड असिलोमेट एग्जिबिटिंग बाइलैटरल सिमेट्री, ओके आंसर क्या आ जाएगा, जैसे ही बोला असिलोमेट बाइलैटरल अनसेगमेंटेड, ओके क्या किस पे ताला लगा दे, प्लैटी हेलमेंथिस पे लगा देते हैं, सेवन का डी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर एट करते हैं, क्वेश्चन नंबर एट आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है गाइस, फिगर्स, कुछ फिगर्स दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर एट, ध्यान से देख के बताइएगा क्वेश्चन नंबर एट में क्या हो जाएगा इसका आंसर। चलिए जल्दी से देख के बता दीजिए भाई साहब इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर एट में क्या हो जाएगा आंसर। सर ये वाई शेप वाला दिख रहा है आपको, आपको वाई शेप वाला दिख रहा है, तो वाई शेप वाला जैसे दिखेगा आप आंसर एट कर दोगे, हाँ जी आप आंसर एट कर दोगे, ईजी हो गया। वाई शेप वाला तो दिख रहा तो सर साइकॉन कर दिया जाइए, सर जी साइकॉन कर दिया गया और आंसर आ गया, वेरी गुड। चलिए ए नंबर आंसर है, यस। नाउ नेक्स्ट कर लें, नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर एट था ये। चलिए क्वेश्चन नंबर नाइन पर, क्वेश्चन नंबर नाइन क्या सवाल है, इन केस ऑफ पोरीफेरा स्पॉन्जो सेल इज लाइंड बाई फ्लैटेंड सेल कॉल्ड एज, ओके स्पॉन्जो सेल वो जो स्पॉन्ज की जो कैविटी होती है दैट इज लाइंड बाई, किससे लाइंड होती है जल्दी से बता दीजिए, ओके किसके द्वारा लाइंड होती है, आ जाओ देख लेते हैं कौन कौन आंसर कर रहे हैं यहाँ पे, ओके नाउ किसके द्वारा, अरे बताओ थैनोस वाली चुटकी जैसे हम गायब होने लगे थे अभी अभी, ठीक है हाँ, तो किसके द्वारा लाइन होते हैं, क्वानोसाइट्स, वेरी गुड लाइन बाय क्वानोसाइट्स। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, दसवां नंबर सवाल क्या हो जाएगा, लाइक कर दो, यस सर जी लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, दसवां नंबर सवाल, यू हैव डिस्कवर्ड एक एनिमल, चलो आप साइंटिस्ट बन गए बड़े होके, ठीक है बनना डॉक्टर ये पहले भी अपना एम है ना, अगर आप साइंटिस्ट बन गए आपने डिस्कवर किया ट्रिप्लोब्लास्टिक बाइलैटरल सिमेट्री है उसके पास, उसके पास सिलोम भी है और चाइटिनस एक्सोस्केलेटन है दैट कंसिस्ट ऑफ हेड थोरैक्स एब्डोमेन एज बॉडी पार्ट्स ओके एंड जॉइंटेड अपेंडेजेस, तो आप क्या बोलोगे उसको क्या होना चाहिए, वो आर्थ्रोपोड के अंदर रखोगे, यस सर जी वेरी गुड, ये सारे फीचर्स हैं जो आर्थ्रोपोड में पाए जाते, तो आप आर्थ्रोपोड में रख दोगे। चलिए नेक्स्ट सवाल कर लिया जाए, हाँ जी नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं, ओके प्यार से नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, 11वां नंबर सवाल क्या सवाल है, पर्ल ऑयस्टर, पर्ल ऑयस्टर मोती वाला ऑयस्टर क्या नाम क्या हो जाएगा, लिमुलस डेंटालियम पिंटाडा ऑरेलिया, पिंटाडा पर ताला लगा दिया जाए दोस्तों, यस सर जी आंसर आ गया, 11 नंबर था ये था क्वेश्चन नंबर 11। गाइज याद रखिए इसी स्पीड के साथ हम लोग 90 क्वेश्चन वाला सीरीज YouTube पर आने वाली है, लास्ट ईयर भी हम उस सीरीज को लाए थे और बहुत ज्यादा हेल्प हुई थी बच्चों की, बच्चों के अंदर लास्ट ईयर एक डाउट था कि सौरभ भैया उतने इजी क्वेश्चन आएंगे क्या, लास्ट ईयर पूछा गया था और उसका जवाब भी उनको उस साल मिल गया, क्वेश्चंस वर इजी, तो इस बार भी हम वैसा ही करवाएंगे, डोंट वरी एकदम फ्लैश रिविजन चढ़ने वाली है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 12 पर, व्हाट इज ट्रू अबाउट नीरिस स्कॉर्पियन कॉकरोच सिल्वर फिश, बता दीजिए तो इसमें क्या कॉमन है, क्या लगता है इसमें क्या कॉमन है भाई, चलिए बताइए क्या लग रहा है क्या कॉमन है इसमें बताइए, देखते हैं इसमें क्या कॉमन है, ओके देख लेते एकदम बढ़िया से, चलो जल्दी से बता दीजिए, ओके आराम से बता दीजिए सर यहाँ पे इसको क्या लगता है क्या कॉमन है यहाँ पे, इजी हो गया एकदम इजी, वेरी गुड ओके एकदम इजी हो गया सर जी यहाँ पे, तो बच्चा वाला बना दिया था सवाल बताओ, ओके चलिए जिन जिन को नहीं आया उनको हेल्प कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे इस सवाल पे, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए यहाँ पे आंसर जाएगा दे ऑल पोजल डॉर्सल हर्ट, ठीक है डॉर्सल हर्ट हो जाएगा क्योंकि वेंट्रल इनका नर्व कॉर्ड हो जाता है आपको पता है, यहाँ से
यहीं से आपने आंसर किया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 कर दें, 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वो ओके, व्हाट इज कॉमन बिटवीन अर्थवर्म एंड पेरीप्लैनेटा, मतलब अर्थवर्म और कॉकरोच, कॉकरोच के बीच क्या कॉमन है? रेड ब्लड? नो सर, कॉकरोच को मारते तो रेड ब्लड तो दिखाई नहीं। ओके, एनल स्टाइल तो कॉकरोच के पास था। मेल्फिजियन ट्यूब्यूल, भाई साहब अलग, कहाँ से सिर्फ कॉकरोच बोलता भाई, ये तो हमारे पास ही है। आंसर आ जाएगा बोथ गॉड सेगमेंटेड बॉडी, वेरी गुड। आंसर आ जाएगा बोथ गॉड सेगमेंटेड बॉडी, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं दोस्तों। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या सवाल है, आइए मिल के पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ आर्थ्रोपोड, आर्थ्रोपोड का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जल्दी से आर्थ्रोपोड बताइए। लार्जेस्ट फाइलम वैसे कौन सा है एनिमल किंगडम में दोस्तों, बताइएगा तो जरूर जल्दी से। ओके, देखते हैं, चलिए बताइए क्या हो जाएगा। ओके, वेरी गुड, डन हो गया जी, यस सर जी, डन हो गया, वेरी गुड जी, एकदम इजी था सवाल, एकदम इजी था। चलो आ जाओ, डन करते हैं, वेरी गुड, हो गया। ओके, चलो आ जाओ। ओके, इजी हो गया, आई गेस इजी हो गया सर जी यहाँ पे। ओके ओके ओके, एकदम बढ़िया सा सवाल, एकदम बच्चू वाला बन गया। ओके चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं हम लोग इसी सवाल के साथ, लेके इसी प्यारे से सवाल को लेके आगे बढ़ते हैं। सर यहाँ पे आइडिया आ रहा है सिल्वर, ओके सर जी थोड़ा थोड़ा दिमाग लग रहा है। ओके, कॉकरोच स्कॉर्पियन और प्रॉन पर ताला लगा दिया जाए, वेरी गुड, नंबर डी हो जाएगा, 14 का डी हो जाएगा, डी। ओके, सेकंड वाला भी लिख दिया है अनिशा जी ने, वेरी गुड सर, आपके कमेंट्स भी मैं पढ़ पा रहा हूँ। चले क्वेश्चन नंबर 15 करके बताओ तो यार, क्वेश्चन नंबर 15वां नंबर सवाल, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग डायग्राम, इस डायग्राम के लिए भाई करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। ओके, वो वाला सवाल क्यों नहीं आया सर, आपको बेसिकली आर्थ्रोपोड निकालना है, बाकी सारे फाइलम को एलिमिनेट करिए, क्योंकि आपको उसमें इकाइनोडर्म्स दिख रहे थे, उनको भगा दिया वहां से, राइट। अब ये बता दीजिए ये क्या दिख रहा है सर, व्हाट इज दिस, दिस इज नीडोब्लास्ट। ओके, नीडोब्लास्ट किस में है, ये सिलेंट्रेट्स में देखने को मिलता है, 15 का सी, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर, देखते हैं फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट कौन पहले आंसर कर रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, रिप्रोडक्शन इन टीनोप्लाना टेक्स प्लेस बाय, टीनोप्लाना में रिप्रोडक्शन कैसे हो सकता है, आराम से बताइएगा दोस्तों, टीनोप्लाना में रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय बडिंग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, आंसर क्या आ जाएगा जल्दी से बता दीजिए, एकदम बच्चों वाला सवाल, वेरी इजी, आई गेस इजी है सर जी, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, हल्का सा, एकदम बच्चों वाला बन गया सर जी, यस सर बच्चा वाला बन गया एकदम। नहीं आया जिन जिन को आंसर, आज 11 बजे क्लास है, यस नरेश जी आज 11 बजे क्लास है अनअकैडमी पर, आ जाइएगा, 200 क्वेश्चन डबल सेंचुरी मारनी है, ठीक है, मिस नहीं करना। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं सर, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17 ले चलिए सौरभ भैया। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, फ्लेम सेल्स, फ्लेम सेल्स का फंक्शन क्या होता है जरूर बताइएगा, फ्लेम सेल का फंक्शन आई वॉन्ट कि भैया पता तो चले। ओके, बता दीजिए सर यहाँ पे। ओके चलो जल्दी से बता दीजिए इसका, इसके आंसर क्या हो जाएगा जरा सा देखूं तो सर यहाँ पे। ओके लेट्स सी, देखते हैं इसका आंसर क्या लगता है, क्या होना चाहिए जी, एकदम बढ़िया से। ओके वेरी गुड, आया आंसर, नहीं आया मैं हेल्प कर दूं, फ्लेम सेल प्लेटियल मेंटिस में लगा दीजिए। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं, एक्सक्रीशन, वेरी गुड, यहाँ पे दिख रहा है मेरे को चैट्स। ओके क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18वां नंबर सवाल, एस्केलमाइंथिस आर यूजुअली, एस्केलमाइंथिस आर यूजुअली कैसे हो जाते हैं एस्केलमाइंथिस, ओके दे आर जनरली, ओके डायोसियस, हर्माफ्रोडाइट, मेटाजेनिक या फिर सिलोमेट, डायोसियस पे ताला लगा दिया जाए और इनाम जीत गए बच्चे, बिकॉज भाई सेक्सेस सेपरेट होते हैं, एस्केलमाइंथिस में सेक्सेस सेपरेट होते हैं, राइट। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं, 19वां नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने, स्क्रीन के सामने आ चुका है 19वां नंबर सवाल दोस्तों, टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ओके क्लासेस ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग सर, ओके चलो जल्दी से, स्कोलियोडॉन को डॉग फिश बोलते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स के अंदर आता है, पेट्रोमाइजॉन ओके बिलोंग्स टू साइक्लोस्टोम, साइक्लोस्टोमाटा के अंदर आ जाएगा, वेरी गुड, प्रिस्टिस, प्रिस्टिस किस में आ जाएगा बताइए, सॉफिस बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट, वेरी गुड, आंसर विल बी नंबर ए, क्या बोलते हो 19 का ए, वेरी गुड, बहुत ही सही आंसर कर दिया, मतलब बताओ यार। ओके चलो डन हो गया क्लियर, ओके चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ प्यार से, डन हो गया ना ये, चलिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट छोटू सा सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20,
20वां नंबर सवाल, थोड़ा सा इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। मैचिंग है, इजी मैचिंग है, इसमें ज्यादा कोई हार्ड तो है नहीं, इजी सा मैचिंग दे दिया तुम्हें यार। साइक्लोस्टोम तुम अभी अभी जानते हो, तो क्या मारोगे साइक्लोस्टोम पे? बिना जॉ वाले, बिना जॉ वाले अग्नाथा मार दोगे? हाँ जी, और एल्स वाले में टेट्रापोड मार दोगे? तो ताला लगा दिया, सी नंबर लगा दिया आंसर। ओके लगा दीजिए सौरभ भैया, सी नंबर पे आंसर आ गया जेब में। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। ये वैसे कितना नंबर सवाल था? ये 20वां नंबर सवाल था ये। चलो लास्ट के 10 बाकी हैं, लास्ट के 10 सवाल। ये कौन है, ये कौन है भाई? ये आज आपके लिए राउंड है ये सवाल का। मैं हमेशा आप लोगों को एक सवाल देता हूँ, तो आज ये सवाल आप आंसर करोगे कमेंट में। मैं इसका एकदम नहीं बोलने वाला, बिकॉज ये जो भी क्लासेस होती हैं ये आपको रिकॉर्डेड या फिर लेक्चर फॉर्म में, दोनों में मदद करेगी एग्जाम से पहले। ये ड्राइंग आप देखिए एनसीईआरटी में दिया गया है, ये क्या है प्यार से पहचानिए। नीरिस तो होगा नहीं, चलिए मैंने आपके 50-50 में नीरिस हटा दिया। अब बैलेनो ग्लॉसस में अब आपको ये बताना है, इट केफालो और हेमिकॉर्डेट्स, क्या बोलते हैं? हेमी पे लगा दें क्या? ताला है, कहाँ लगाना चाहिए बताइए जल्दी से। ओके बताइएगा कहाँ पर लगाना चाहिए। ओके देखते हैं सर, देखते हैं। ओके 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 वेरी गुड जी, आंसर आ गया। हाँ जी आंसर आ गया, एकदम इजी था, बच्चों वाला सवाल बना दिया सर ने, तो यहाँ पे आंसर था बच्चा वाला बन गया। चलिए वेरी गुड, आ जाओ आगे बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ, क्लियर ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखो, कमेंट में सबने बता दिया। चलो क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। 22 नंबर सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 22, सर लिविंग फॉसिल, लिविंग फॉसिल का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ओके किंग क्रैब बोल दे, किंग क्रैब चलेगा, किंग क्रैब चलेगा सौरभ भैया। हाँ किंग क्रैब किसको बोलते हैं जल्दी से बता दीजिए, यहाँ पे किंग क्रैब किसको बोलते हैं? अभी कितने बजे आनी है आपको क्लास में जल्दी से मुझे कमेंट में करके बता दो पहले तुम लोग, क्योंकि तुम लोग भूल जाते हो फिर। रात को 11 बजे आना है अन अकेडमी के ऐप पर, कहाँ पे आना है? अन अकेडमी के ऐप पर। कितने कितने क्वेश्चन होंगे? 200, मैं 200 बोलता हूँ तो लिटरली मीन इट करता हूँ। कल रात को आप लोग आधे लोग चले गए थे, तो हमने 250 करवाए थे कल रात को, कल सैटरडे स्पेशल में 250 क्वेश्चन, समझ रहे हो? तो आज हम लोग 200 का आंकड़ा टच करेंगे, और आज जो है अल्टीमेट रिवीजन होने वाला है। अल्टीमेट रिवीजन मतलब बहुत सारे क्वेश्चन हमने करवाए हैं, उनका रिवीजन होने वाला है। तो जो बच्चे सोच रहे हैं भाई उनका रिवीजन चेक करना है, उनको कितने स्कोर आ रहा है उनका, तो जरूर आ जाइएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। 23 नंबर सवाल, कैसे आपको पता है अनअकैडमी के ऐप पर जाना है? नीचे लिंक दिया हुआ है प्रोफाइल का, या फिर आप अनअकैडमी पे जाकर सौरभ शर्मा लिख दीजिए, SOURAV शर्मा। ओके, और रात 11 बजे वाली क्लास है, और अगर इतना ज्यादा जोर लग रहा है तो टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिए सौरभ लाइव, SOURAVLIV, मैं मिल ही जाऊंगा, चैनल मिल जाएगा। चलो इसका बता दो, यहाँ पे जो जिसका फायदा नहीं है, लोकस्ट का फायदा नहीं है, लोकस्ट ये तो ग्रेगेरियस पेस्ट हो गए, ये ग्रेगेरियस पेस्ट हो जाते हैं ना, ये ग्रेगेरियस पेस्ट है, ठीक है, ये ग्रेगेरियस पेस्ट है। चलिए आइए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 24। 24 नंबर सवाल, क्या सवाल है क्वेश्चन नंबर 24? द एनिमल्स बॉडी बिलोंगिंग टू फाइलम मोलस्का इज डिवाइडेड इनटू, मोलस्का वाले का कैसे डिवीजन होता है? ये एनसीईआरटी में लिखा गया दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए। वेरी गुड, ये वाला बताइए क्या आंसर आ जाएगा। ओके मोलस्का को कैसे डिवाइड करोगे तुम बता दो तो जल्दी से, मोलस्का बेचारे को कैसे डिवाइड करोगे? ओके देखता हूँ मैं तुमने क्या किया आंसर। ओके चलिए आ जाइए, देख लेते हैं यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा। ओके वेरी गुड, आ गया आंसर। हाँ जी आ गया, एकदम इजी सवाल था, एकदम इजी सवाल था, कोई दिक्कत हुई नहीं, बच्चा वाला बन गया सवाल ये तो आपके लिए। ओके चल आ जाओ आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है क्लियर हो गया? नहीं आया, मैं हेल्प कर दूं? ओके सर, हेड मस्कुलर फुट और विसरल हम्प पे लगा देते हैं ताला, जीत गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। 25 नंबर सवाल, क्या सवाल दिया है? ओके फाइल लाइक रेस्पिंग एयर ऑर्गन होगा क्या वो? फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन कॉल्ड एज डैश। ओके जल्दी से बता दीजिएगा ये वाला आंसर क्या होना चाहिए इसका, देखते हैं सर यहाँ पे। वेरी गुड, आ गया आंसर, आंसर आया है नहीं आया जी, देखते हैं। ओके वेरी गुड, आ गया, आ गया आंसर, आंसर आ गया ना, आंसर आ ही गया तो निकाल लेते हैं भाई, एकदम बच्चा वाला बन गया था सवाल। मतलब बताओ इतने इजी इजी क्वेश्चन है, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन कॉल्ड एज, ओके लाइक लिख दे रहे, नहीं तो तुम बोलोगे पूरा ही नहीं लिखा, लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, ठीक है। चलो 26 नंबर सवाल करते हैं, 26, क्वेश्चन नंबर 26। द बॉडी ऑफ द बैलेनोग्लॉसस डिवाइडेड इंटू, बैलेनोग्लॉसस का बॉडी कैसे डिवाइडेड हो जाता है, किस किस चीज में डिवाइडेड है वो बता दो भाई तुम। ओके चलो आ जाओ जल्दी से बता दीजिए। ओके चलो आ जाओ बता दो, बता दिया।
ओके वेरी गुड, आई गेस आंसर आ गया, एकदम इजी है, एकदम इजी सवाल हो गया इसमें। बताओ, डन डन करते जा रहे हम लोग जल्दी जल्दी। ओके, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक, ताला लगा दिया गया। चलो क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। तो गाइस मैं आपसे बता दे रहा हूँ, कल शायद हम लोगों की ये सीरीज की लास्ट हो जाएगी, उसके बाद हम लोग कोई नई सीरीज लेके आ रहे हैं जिसमें 90 क्वेश्चन होंगे एक बार में, मतलब समझ रहे हो, मजा मजा इंटू 100, मजा इंटू 90 होने वाला है। ठीक है, हम लोग ट्राई करेंगे अनअकैडमी से बात करके 100 लेने का, या 90 ले लेंगे, एक मॉक टेस्ट कवर कर लेंगे। ठीक है, ओके, तो मिलेंगे फिर हम लोग वहां पे मस्ती करने के लिए। आप इसका आंसर बता दीजिए पहले, क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या लगता है, क्या होना चाहिए? ओके देख लेते हैं, डन हो गया। ओके वेरी गुड, आंसर आ चुका है सर यहाँ पे, मेटामेरिज्म। कोई दिक्कत की बात है क्या? ओके, क्या बोलते हैं आप, मेटामेरिज्म है ना, यही होगा। तो ओके चलो, आपके चैट्स देख लेता हूँ भाई साहब, कि कमेंट में सही लिखा है नहीं लिखा तुमने। ओके देख लेता हूँ एक बार, कमेंट्स कमेंट्स चेक कर लेते हैं जल्दी से आपकी। वेरी गुड, ओके सही लिख दिया। चलो नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 28, थोड़ा सा और है बस, खत्म करते हैं क्लास को। क्वेश्चन नंबर 28 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग, अभी एग्जाम्पलर के सवाल है, दीज ऑल आर द क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ओके, सेट शो शेयर ए फोर चेम्बर्ड हार्ट, फोर चेम्बर्ड हार्ट तुमको क्रोकोडाइल में मिलेगा, बर्ड में, मैमल में। वेरी गुड, बी नंबर आ गया। क्वेश्चन नंबर 29 कर लें, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29। ओके सर जी, माई सेल्फ सौरभ शर्मा, एमबीबीएस थर्ड ईयर से, बढ़िया, मेरे को बोलना चाहिए सेवन सेमेस्टर स्टूडेंट। ठीक है, सेवन सेमेस्टर खत्म हो गया मेरा, तो आपको पता होगा एमबीबीएस में 9 सेमेस्टर्स होते हैं, जिसमें सेवन सेमेस्टर्स हमारे हो चुके हैं, 2 सेमेस्टर और बाकी है। तो चलिए, इसका आंसर क्या आ जाएगा, कैमेलियन और टर्टल। वेरी गुड, 29 का क्या हो गया, बी हो गया क्या? यस सर जी, आइए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं, 30 नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 30। वेरी गुड, आओ ये सवाल करो, बर्ड एंड मैमल। ओके आ जाओ, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा जल्दी से बताइए तो। ओके चलो, ध्यान से फोकस करिए, क्या हो जाएगा, क्या बी या ए, किस पे लगाना है आप बता दो। चलो, नॉन ग्लैंडुलर स्किन बोला है, फ्रॉग कैसे मार रहे हो तुम, फ्रॉग तो मारो ही मत भाई, फ्रॉग तुम कैसे मार रहे हो, हाँ बता दो तुम, रेप्टाइल को चूज करना था ना तुमको, क्या बोलते हो? हेलो जी, ओके 29 में किसको चूज करते, रेप्टाइल को चूज करना था, क्या बोलते हो बताओ। चलो 30 बता दो सर, ये वार्म ब्लडेड, वेरी गुड, वार्म ब्लडेड। चलिए आइए नेक्स्ट सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर, ओके सर लेक्चर्स कब होते हैं, रात को 11 बजे मिलेंगे निधि। ओके तो जो भी बच्चे हैं, रात को 11 बजे अनअकैडमी के ऐप पर आ जाइए, वहां मिलते हैं, फुल सिलेबस करेंगे। ठीक है, ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 31, 31 नंबर सवाल, क्या पूछा गया 31, आइए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओवी पैरस, ओवी पैरस कौन हो जाएगा, अंडे देने वाले को ओवी पैरस बोलते हैं क्या जी? ओके बता दीजिएगा, अंडे देने वाले को बोलते हैं क्या? ओके देख लेते हैं यहाँ पे, डन हो गया आई गेस, हाँ जी डन हो गया, इजी था। ओके वेरी गुड, आ गया आंसर, चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे इजी था, प्लाटिपस जी, पेरी द प्लाटिपस, प्लाटिपस। ओके चलिए, क्वेश्चन 32 नंबर करते हैं, एक और सवाल आ गया फ्री का, फ्री के सवाल आ गए दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉट पॉइजनस, ओके कोबरा, वाइपर, क्रेत, पाइथन। पाइथन पर ताला लगा दे अजगर, ओके अजगर वाली कहानी है क्या ये? वैसा रिलेटेड है, वैसा ही समझ लीजिए, वैसा रिलेटेड है, तो ताला लग गया, नॉट पॉइजनस। ओके बता दीजिए अनअकैडमी पर। यस, मेरे प्रोफाइल आप सर्च करोगे अनअकैडमी पर, सौरभ शर्मा लिखी हुई है, मिल जाएगी, नीचे लिंक दिया हुआ है, या फिर आप गूगल पे जाके, सर जस्ट आपको सर्च करना है, ओके मिस्टर मेडिको अनअकैडमी प्रोफाइल, वहां से भी आ जाएगा, या फिर आप गूगल पे जाके लिख दीजिए मिस्टर मेडिको, आ जाएगा वहां पे आपको इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ओके चलो कोई बात नहीं दोस्तों, मजा आ गया आपके साथ क्विज करके। ओके फॉर द वेरी चेयरफुल ऑडियंस, आज के लिए इतना ही रखते हैं, अभी रात 11 बजे मिलते हैं अनअकैडमी ऐप पर। वेरी गुड, 200 क्वेश्चन करने वाले